नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मथुरा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यालय पर हुआ पत्रिका का विमोचन। आगामी 26 अक्टूबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद द्वारा चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते हुए दिनेश शर्मा ने बताया, इस अवसर पर जोगेश्वर जी, दिनेश जी, आचार्य बद्रीश जी महाराज मौजूद रहे। वृंदावन में संत समागम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का जो कार्ड बना है, जो 26 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्ड का विमोचन स्वयं आदरणीय बड़े दिनेश जी, जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रमों के द्वारा किया है। कार्यक्रम 26 अक्टूबर को वृंदावन में श्री कृष्ण रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के अंदर जो विवेकानंद ऑडिटोरियम है उसमें संपन्न होगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और वो कार्यक्रम शाम को 3 बजे से 5 बजे तक होगा, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से सभी आदरणीय संत महानुभाव, महामंडलेश्वर और आरएसएस के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और भाजपा के पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के 6 देशों के कार्यकर्ता इसमें आएंगे, सभी प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, सभी जिलाध्यक्ष आएंगे। इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय बद्री सिंह महाराज और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय ब्याहीलाल बसेज जी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रामलाल चतुर्वेदी जी और राष्ट्रीय सलाहकार महान संत मुनि शरण जी भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रवक्ता राजेश पाठक और अन्य पदाधिकारी इस विमोचन कार्ड के कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी देशवासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप सभी समय पर पधारें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये कार्यक्रम संतों का और जो आगंतुक पदाधिकारियों का जो होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में विषय रहेगा कि वर्तमान समय में जो सनातनी हिंदू हैं उनकी क्या भूमिका रहनी चाहिए। इस विषय पर यह राष्ट्रीय चिंतन शिविर है जिसका विमोचन स्वयं आदरणीय बड़े दिनेश जी ने किया है, जो विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता हैं। और इस अवसर पर जिले के पदाधिकारी, जिले के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और सभी से यही अनुरोध है कि समय पर कार्यक्रम में आएं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।